नमस्कार दोस्तों, एस क्लासेज 1 2 3 में आप सब लोगों का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई और रेलवे ग्रुप डी के सामान्य विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि दोस्तों जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को दोस्तों, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा सामने, रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, गैलीलियो, न्यूटन। तो न्यूट्रॉन खोज किसने किया था दोस्तों, जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन थॉमस अल्वा एडिसन, गैलीलियो, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जी मार्कोनी। तो दोस्तों जो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है। जो रक्त का दाब होता है उसे किस यंत्र द्वारा नापा जाता है। ऑप्शन है दोस्तों, पायरोमीटर, स्फैग्नोमैनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, एनीमोमीटर। तो रक्त का दाब दोस्तों स्फैग्नोमैनोमीटर के द्वारा नापा जाता है। किसके द्वारा, स्फैग्नोमैनोमीटर के द्वारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दूध की शुद्धता किस यंत्र से नापी जाती है। ऑप्शन है दोस्तों, लैक्टोमीटर, फैदोमीटर, हाइग्रोमीटर, टेकोमीटर। तो दूध की शुद्धता यानी दूध को किससे नापा जाता है दोस्तों, लैक्टोमीटर से। किससे दोस्तों, लैक्टोमीटर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है। जो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है उसका क्या नाम है। ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा दोस्तों, अप्सरा, नाग, अग्नि, रोहिणी। तो दोस्तों जो भारत का पहला है वो है अप्सरा। क्या है दोस्तों, अप्सरा। अगला क्वेश्चन, होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे। ऑप्शन हैनीमैन, जोसेफ लिस्टर, जेम्स हैरिसन, ह्यूगो डुब्रीज। तो जो होम्योपैथी चिकित्सा है जिसमें होम्योपैथिक की दवा दी जाती है उसके जनक जो है हैनीमैन थे। कौन थे दोस्तों, हैनीमैन थे। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम। जो विटामिन सी है उसका रासायनिक नाम क्या है। रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेराल, टोकोफेराल। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम दोस्तों है एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला दोस्तों, वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के या सभी। तो दोस्तों जो वसा में घुलनशील विटामिन होती है वो विटामिन ए, डी, ई और के होती है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती है, ए, डी, ई, के, यानी इसके अंतर्गत सभी आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, सभी। और जल में घुलनशील जो विटामिन होती है वो आपकी होती है बी और सी, विटामिन बी और सी। अगला दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल, थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेराल। जो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, रेटिनॉल। क्या है, रेटिनॉल। अगला क्वेश्चन, भारी जल का रासायनिक सूत्र है। भारी जल जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। CaO, D2O, DO2, KClO3। तो भारी जल का रासायनिक सूत्र जो होता है दोस्तों D2O होता है, जिसको हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। अगला दोस्तों, विटामिन सब किसने दिया। विटामिन सब किसने दिया, तो ऑप्शन है मेंडल, लुई पास्चर, फंक, सिंक्लेयर। तो विटामिन सब जो है फंक ने दिया। किसने दिया दोस्तों, फंक ने। अगला क्वेश्चन, साधारण नमक का रासायनिक नाम है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तो दोस्तों जो सोडियम साधारण नमक होता है उसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। क्या है दोस्तों, सोडियम क्लोराइड है। अगला दोस्तों, FeO रासायनिक प्रतीक है।
टीन का, लोहे का, तांबे का, एल्युमिनियम का। जो FI है वो उसको हम आयरन कहते हैं, यानी लोहे का। तो दोस्तों FI रासायनिक प्रतीक किसका है? लोहे का। सोडियम का परमाणु संख्या कितना है? जो सोडियम होता है उसका परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों? ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा 11, 10, 21 या 6। तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना है दोस्तों? 11। कितना है दोस्तों? 11 है। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो आप लोगों को ऑप्शन दिख रहा होगा दोस्तों, यूरी गागरिन, संतोष यादव, बछेंद्री पाल, वेलेंटिना तरेस्कोवा। तो जो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी दोस्तों वो थी वेलेंटिना तरेस्कोवा। अगला क्वेश्चन, अश्रु गैस का रासायनिक नाम है, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्सल्फेट, क्लोरोएस्टोफिनान, कैल्शियम कार्बोनेट। तो दोस्तों अश्रु गैस का जो है रासायनिक नाम है क्लोरोएस्टोफिनान, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, DNA की खोज किसने की थी? ऑप्शन है दोस्तों बैटिंग एवं बेस्ट, रॉबर्ट कोच, वाटसन एवं क्रिक, ईवर्थ। तो DNA की खोज किसने किया था दोस्तों? वाटसन एवं क्रिक, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ? जो कल्पना चावला थी उनका जन्म कहाँ हुआ था? करनाल, इज्जत नगर, कोलकाता, पटना। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? करनाल में हुआ था। कहाँ दोस्तों? करनाल में। अगला क्वेश्चन, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है, यानी जो पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र होता है वह क्या कहलाता है? आइडियोमीटर, आइडियोफोन, हाइड्रोमीटर, हाइड्रोफोन। तो दोस्तों जो पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र होता है उसको हम हाइड्रोफोन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हाइड्रोफोन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, मोटर गाड़ी जो है उसके चालक के सामने जो लगा रहता है वो क्या लगा रहता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या एक लेंस। तो दोस्तों जो मोटर गाड़ी होती है और चालक चलाता रहता है तो उसके सामने का जो दर्पण होता है वो कौन सा दर्पण होता है? वो उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है दोस्तों? उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन, भूकंप मापी यंत्र है, जो भूकंप मापने वाला यंत्र होता है वह है हाइड्रोमीटर, सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ, बैरोमीटर। तो भूकंप मापी यंत्र दोस्तों है सिस्मोग्राफ। कौन सा ग्राफ? सिस्मोग्राफ। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों हम ऐसी ही वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।